मेरे पापा का बचपन जब से मैं पैदा हुआ तब से एक ही उम्मीद थी कि बेटा हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम आई एम लखनऊ एंड जैसा कि आपको बताया था हम लोग जो हैं आई एम लखनऊ आए हैं टेडेक्स के लिए. ओके, एक चीज़ मैंने मंगवाई थी, मैंने क्योंकि आई एम में घूम रहे हैं इतना बड़ा कैंपस है यार, पैदल तो घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यार साइकिल अगर मिल जाए तो साइकिल से बेस्ट अच्छी चीज़ नहीं होगी. सो साइकिल की जुगाड़ हो गई, साइकिल उठाते हैं तब घूमते हैं, देखते हैं यार. और ये हम जो हैं वापस वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हम चले थे. मेरे पापा का बचपन जब से मैं पैदा हुआ तब से एक ही उम्मीद थी कि बेटा IIT या फिर IIM में जाएगा. देख लो पापा, IIM में आ गया हूँ और प्रूफ के लिए ये सारे के सारे IIM के, ये देखो, ये भी ये लोगो देख लो, ये देखो, ये देखो IIM लखनऊ, IIM लखनऊ, सारे के सारे IIM लखनऊ के ही हैं. तो अभी नेक्स्ट टाइम से आप मत बोलना कि बेटा तूने IIM नहीं किया या फिर IIT नहीं की. देखो हर जगह होकर IIT बची, IIT मुंबई जा रहा हूँ कुछ टाइम बाद, ठीक है? सो डोंट वरी. फैकल्टी जो भी रहना बहुत अच्छे हैं. ओके, अरे स्टूडेंट का माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और आते हैं जब उनको माहौल पहले सीनियर लोग उनको सिखाते हैं कि कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या करना है. रैगिंग भी होती है? रैगिंग नहीं होती, कोई बात नहीं. अच्छा, तो स्टूडेंट लाइक जो एक होता है पढ़ाई लिखाई वाले जो केवल केवल पढ़ने में घुसे रहते हैं, एक होते हैं कि कुछ कल्चर वाले भी होते हैं, कुछ किस टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर? आपको कौन से सबसे ज्यादा पसंद है? तो मतलब स्टडी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दोनों चीज जो बैलेंस करके चलता वो ज्यादा बेटर. और फाइनली हैप्पी एंडिंग हुई क्योंकि इवेंट खत्म करने के बाद तो ऐसी हुई थी. बेल्ट पहन ले बाज आ गया. अच्छा, ओके, सो इवेंट जब हमने खत्म किया था तो लाइक ऐसी कंडीशन हो गई थी ऑर्गेनाइजर्स की कि हम बैन कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा था हमें, जिस वजह से लग रहा था कि बैन कर दिए जाएंगे. आई थिंक अब नहीं होना चाहिए, बट भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है. हम प्रिपेयर हैं कि हम IIM लखनऊ से हम बैन हो चुके हैं. तो लेट्स गो एंड अभी एग्जिट करने का टाइम आ गया है एंड दिस इज देयर गेट. एग्जिट गेट अभी हमारे पास में 4 घंटे एंड अगर ट्रैफिक नहीं मिलती है लखनऊ के अंदर, वैसे मुझे उम्मीद है कि दिल्ली और मुंबई जैसी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, बट फिर भी फॉर आर सेफर साइड आई वाज लाइक 3 घंटे हमारे पास में एंड 3 घंटे में हमें. अबे यार कौन, जस्ट अ सेकेंड. हाँ रॉबिन,
टीम वन ऑफ फ्रॉम ऑर्गेनाइज टीम वांट्स टू मीट अस एंड अभी हमें गाड़ी को घुमा करके वापस से जाना है क्योंकि पता नहीं फिर आए ना आए IIM वालों ने बुलाया ना बुलाया लगाने के लिए अरे कभी सीरियस ना रहे जिंदगी में ऐसी हंसता रहे थैंक यू भाई आने के लिए वापस फाइनली ओके फाइनली वी जस्ट मेक इट टू मोखा आई डोंट नो क्या है पत्रकार पुरम आई डोंट नो क्या चीज़ है ये जगह बैग मेरा इसी के अंदर है ओके फाइनली रीच एयरपोर्ट एंड अभी एंट्री करते हैं चेक इन करते हैं सबसे पहले उसके बाद मिलते हैं चलो क्या सीन है अपने डन सारी चीज ठीक है चलो ओके ऑल राइट सो जस्ट अभी ओमकार भाई को ड्रॉप किया एंड अभी हमें अशोक विहार फेज 3 में ही हूँ यार एंड इतना ज़्यादा मेरा गला ख़राब हो गया आई डोंट नो मुझे क्या हुआ कल रात से मेरा पूरी तबीयत ख़राब हो गई है पूरा एकदम गला जैम हो गया है एंड सो इसके लिए अभी देख रहा हूँ यार कॉफ़ी लूँगा जा करके 24/7 से क्योंकि टाइम बच गए हैं 11:30 हो गए हैं टाइम एंड 11:30 बजे और कोई मार्केट खुली नहीं होगी सो 24/7 अभी ढूंढ रहे हैं बस कैब में लगी पड़ी है लिटरली में लगी पड़ी है यार यार आपका 24 थैंक यू ऑल राइट गुड मॉर्निंग एवरीवन सो दिस इज डे सेकंड एंड कल एक यार बकचोदी हो गई कि मेरा जो गिम्बल था वो मैंने कैब में ही मैंने छोड़ दिया था गिम्बल एंड अभी मुझे गिम्बल लेने के लिए जाना पड़ेगा एरो सिटी कैब वाले भैया को रात को मैंने फ़ोन किया ही वॉज लाइक भैया गिम्बल मुझे मिल गया है आपका बट आपको एरो सिटी आना पड़ेगा क्योंकि वो कल रात को एयरपोर्ट पे चले गए थे कैब लेकर के सो दैट्स व्हाई मैं रात में जा भी नहीं सकता था क्योंकि खुद का कोई व्हीकल नहीं है यहाँ पर एंड मेट्रो बंद होने वाली थी इस चक्कर में मैं फिर अभी जा रहा हूँ एंड अभी मैंने कॉल किया सो ही वॉज लाइक भैया एरो सिटी मेट्रो स्टेशन आ जाना वहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड थैंक गॉड कि यार ऐसे लोग हैं कि जो सामान वापस कर देते हैं एंड कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामान वापस ही नहीं करते हैं जो बल्कि उनके किसी काम का भी होता है फिर भी वो वापस नहीं करते हैं अभी चल के देखते हैं कि यार क्या होता है क्या नहीं होता है मिलता भी है या नहीं मिलता है ओके ऑल राइट सो एयरो सिटी मेट्रो स्टेशन के बाहर तो आ गए बट अभी मैंने बात की उनसे सो ही वॉज लाइक कि भैया अभी हाफ एन आवर लगेगा मुझे आने में क्योंकि वो गुड़गांव से आ रहे हैं सो लेट्स सी अभी हाफ एन आवर यहीं पर वेट करते हैं एंड कुछ यार ब्रेकफास्ट करता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया भूख लग रही है बहुत तेज से एंड पूरा गले की लग गई है यार मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सच्ची में सो डन विद द ब्रेकफास्ट एंड राइट नाउ इट्स टाइम टू गो टू एयरो सिटी मेट्रो स्टेशन यार सच्ची मेरा अगर ये पंगे ना हुए तो मेरे साथ में तो मैं उठने वाला नहीं था आज 12 बजे से पहले भी ओके ऑल राइट सो फाइनली मेरा गिम्बल मिल गया है एंड गिम्बल मिलने के बाद अभी बस अब चलना है वापस यार क्योंकि पूरा इतना ट्रैवल करके अब थक तो गया ही हूँ सो अभी वापस चलना है एंड अब चलते हैं सीधे घर पर मिलते हैं आपको Somebody who loves you, somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs.